छाटी बनाओ, दोना भरो, फिर दोना से फिर उन्हें ऐसी भरने आई। बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है बेहतर पोषण। हमारे आसपास ऐसी कई चीजें मौजूद हैं जिनसे हम पोषण समृद्ध व्यंजन तैयार कर सकते हैं। यह चीजें हमारे आसपास आसानी से मिल जाती हैं। पोषण माह में आइए मिलते हैं ऐसी ही कुछ व्यंजनों से। जे मगवाएं 100 ग्राम इन्हें भूंजी थी, जे मक्काएं 100 ग्राम इन्हें भी डाली थी, और जे मूंग बोली जाती और अद जो जवाय 100 ग्राम जो भी डाली थी उन्होंने, जो अरहर जो भी सब सामग्री बना के डाली थी उन्होंने, जे चना हो गई, जो धान भूंज भी वही में से फूटा निकाले हैं की, और जे गेहूं हो गई, और जे फिर दोना अच्छी बढ़िया टीक पूछ थे जे सब वही में, फिर जे टुकनुआ भरी थी जो हम सब भूंज रहे के लाने, जो ये घड़ा कहाव थे घेला, तो ई कहा हम फोल लाओ हैं, सो ई में सब दिन हमारे से आने भी भूंजत रहे, सो वैसे ही हम ही भूंजे। जो हमारा घेला गरम हुआ अग्नि में धान डाल रहे भूंजी के लाने, जब जे धान पूरी फूट जे है तो फूटा सफेद हो जाए है और धान उनसे निकल जाए है, सुबह धान सफेद हो जाए। अब हमें मक्का भूनने जो हमने भूंजी है तो धान का निकाल के गिलाने ही खच्चाल ले आओ, तो जो धान निकल जाए, जो माओ अब सब भूंजना भूंज गाओ है। जा हमने भूंजी है धान 200 ग्राम, जे हमने भूंजे मक्का 100 ग्राम, जा हमने भूंजो जवा 100 ग्राम, जे हमने गेहूं भूंजे 200 ग्राम, जे हमने भूंजे उड़दा 100 ग्राम, जे हमने भूंजी मूंग 100 ग्राम, जे हमने भूंजी है राहर 50 ग्राम, जे हमने भूंजे है मगुआ 200 ग्राम, जी हमने भूंजे है चना 300 ग्राम। अब जो हमारा भूंज गाओ है सब कछु हम एक मिक्स करी इकट्ठो, सब कछु मिला दो इकट्ठो कर दो, जो अब हमने सब कछु भूंजे के बाद अब जो हमारा काल के नाश्ता के लाने आओ, जो अच्छो सब सामान में मिले है पोषण आहार नाश्ता में सवेरे सब हमारे करी थे, बच्चा भी खाते दो सबको खाते, दो चार दिन नाश्ता को हम बना लाई थी।